की ग्रेवी मंचूरियन विद सेजवान फ्राइड राइस। इस दिनों में चाइनीज फूड सबको पसंद होता है, अभी तो बच्चे भी इजीली इसे खा लेते हैं और उनको बहुत ये पसंद आता है। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ग्रेवी मंचूरियन विद सेजवान फ्राइड राइस का, वो भी इस रेनी डेज में ये आपको बहुत पसंद आएगा और इससे खा के आपका दिन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनती है ये रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिए, उसमें 2 बड़े चम्मच पत्ता गोभी एकदम फाइन चॉप करके डाला है। इसमें जो भी सब्जियाँ जाएगी सब एकदम बारीक बारीक कटी हुई जाएगी। 1/2 कप इसमें गाजर डाला है, 1/2 कप बीन्स डाला है और 4 बड़े चम्मच इसमें डाले हैं बीटरूट, यानी बीट यानी कि 1/4 कप है ये। और इसमें 4 बड़े चम्मच ग्रीन कैप्सिकम डाला है, आप इसमें येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हो। 2 बड़े चम्मच लहसुन डाला है, 2 बड़े चम्मच अदरक डाला है, अदरक और लहसुन को भी एकदम छोटा छोटा काट लिया है। 4 बड़े चम्मच मैदा, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ये बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है, हम बाद में भी ज़रूर पड़े तो इसे ऐड करेंगे। उसके बाद 1/4 कप बेकिंग सोडा डाला है, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच मरी पाउडर और 2 छोटे चम्मच सोया सॉस ऐड किया है। उसके बाद 2 छोटे चम्मच जो रेड चिली सॉस आता है वो ऐड किया है, आप यहाँ पे 2 छोटे चम्मच टोमेटो केचप भी डाल सकते हो। इन सबको मिला लेंगे, हमें इसे मिलाना है और जो बाइंडिंग का काम करता है मैदा और कॉर्नफ्लोर, वो अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ज़्यादा इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे वरना थोड़े से मंचूरियन अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। मिक्स कर दीजिए, जब तक आपके हाथों में इस तरह से गोल बॉल ना हो उस तरह का आपको एक बाइंडिंग तैयार करना है इसका। देख सकते हो कि हाथों में हम इस तरह से इसे गोल कर रहे हैं तो वो बन जाता है इजीली, बस इसी तरह से आपको करना है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है, तेल हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम आंच पे ही हमें तेल को गरम करना है। तो अब हम मंचूरियन बॉल्स है इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो मंचूरियन बॉल्स को पहले से ही बना के रख सकते हो, बट मैंने फ्राई करते टाइम ही बनाते जा रही हूँ और इसे फ्राई करते जा रही हूँ। देख सकते हो कि बॉल्स भी बन रहे हैं और यहाँ पे गैस की आंच हमें मीडियम रखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियम आंच पे इसे फ्राई करेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मंचूरियन बॉल्स अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। 2-3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद 1 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप इस तरह से बॉल डालते जाइए और इसे फ्राई कर दीजिए। इस तरह से आपके मंचूरियन बहुत अच्छे बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और ऊपर से थोड़े से कुरकुरे बनेंगे। फ्राई हो चुके हैं तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहो तो इसे हाफ फ्राई भी कर सकते हो और जब आपको खाना हो तब आप दूसरी बार इसे फ्राई कर लीजिए। तो फ्राइड मंचूरियन हम निकाल देंगे बाउल में और जो मिक्सचर बचा था उसके भी बॉल्स बना के इसी तरह से हम इसे फ्राई कर देंगे। तो हमारी ये ड्राई मंचूरियन बॉल्स रेडी है। फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि मंचूरियंस का कलर बीट की वजह से बहुत अच्छा आया है और अंदर से भी वो पक चुके हैं, कच्चे नहीं हैं और थोड़े से अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से आप देख सकते हो एकदम कुरकुरे बने हैं। इसी तरह से आप बनाओगे तो आपके मंचूरियन बहुत अच्छे लगेंगे। वैसे भी ये मंचूरियन ऐसे खाओगे तो भी बढ़िया टेस्टी ये लगते हैं। तो चलिए दूसरी तरफ हम हमारे फ्राइड राइस के राइस को भिगो देते हैं।
तो फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है बासमती चावल। इस बासमती चावल को 3-4 बार साफ़ पानी की मदद से हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद 1 कप पानी डाल के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो जो ये चावल है थोड़े से नरम हो जाएंगे। इस तरह से आप चावल बनाओगे तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे। दूसरी तरफ हमने एक बड़ा सा पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाला है और इस पानी को हमें खोलने देना है। जब तक पानी अच्छी तरह से उबल नहीं जाता तब तक हमें इसे उबालना है। पानी उबल जाए उसके बाद जो चावल भिगोए थे उसे हम गर्म पानी में डाल देंगे। आप देख सकते हो कि चावल भिगने के बाद किस तरह से टूट रहे हैं। तो इस चावल को हम डाल देंगे गर्म पानी में और इसमें आधी बड़ी चम्मच मैंने तेल डाला है और ढक्कन ढकने के बाद हम इसे 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही हम पका लेंगे। तो 3-4 मिनट के बाद हमें क्या करना है, गैस बंद कर देना है और इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन ढकते हुए ही इसे रहने देना है। तो ये जो राइस है हमारे पक जाएंगे गर्म पानी में ही। आप इस तरह से बनाओगे तो जो होटल में राइस बनते हैं एकदम खिले खिले हुए, इस तरह से राइस बनेंगे। अब हम इसे छान लेंगे और जो पानी है इसका निकाल देंगे और इस चावल को, पके हुए चावल को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और देख सकते हो कितने खिले खिले चावल हमारे बने हैं और एक भी चावल टूटा नहीं है। आप इस तरह से इसे ज़रूर बनाना, बहुत खिले खिले चावल बनेंगे। एक नॉनस्टिक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। यहाँ पे हम मंचूरियन की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। गरम तेल हो जाए उसके बाद 2 बड़े चम्मच कटा हुआ प्याज, कटा हुआ कैप्सिकम, कटा हुआ गाजर और कटा हुआ बीन्स लेना है। ये सब 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं। उसके बाद इसे हम थोड़ा चलाएंगे। यहाँ पे गैस आपको हाई फ्लेम पे ही रखना है क्योंकि चाइनीज़ फूड हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकता है। उसके बाद 1/4 चम्मच नमक डाला है और इसे मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। एकदम कलरफुल ये डिश बनती है, देख सकते हो गाजर कैप्सिकम का कितना अच्छा कलर दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे कैबेज डालेंगे। जो पत्ता गोभी है उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, तो वो 4/4 चम्मच है और 1 छोटा चम्मच मैंने बीट डाला है। इसे बीट से क्या होगा कि ग्रेवी का कलर बढ़िया सा आएगा। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद 2 छोटे चम्मच लहसुन और जो अदरक आता है उसे भी एकदम छोटा छोटा टुकड़े में काट लिया है और डाल दिया है। इसे भी हम भून लेंगे। हाई फ्लेम पे ही हमें इसे सॉटे करना है। उसके बाद 2 बड़े चम्मच हरी प्याज डाली है क्योंकि चाइनीज़ फूड में हरी प्याज हो तो बहुत अच्छी लगती है। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 40 से 50 सेकंड तक इसे भून लेंगे। उसके बाद 1/4 बड़ी चम्मच जो ब्लैक पेपर पाउडर आता है वो डाला है। 2 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर सॉस डाला है। 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाला है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाइनीज़ फूड का। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाला है। 2 कप पानी डालने के बाद हम इसे खोलने देंगे। तब तक हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करते हैं। कॉर्नफ्लोर स्लरी बनाने के लिए 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और इसमें 1/4 कप पानी डाला है। इसे मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे उस तरह से हमें मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर क्या करेगा, ग्रेवी है जो उसमें थिकनेस लाएगा, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इससे कोई भी लम्स ना रहे इस तरह से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हम कॉर्नफ्लोर स्लरी को ऐड कर देंगे इस मिक्सचर में। मिक्स करके इसे हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच चिली सॉस डाला है और यहाँ पे आप 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप भी डाल सकते हो। टोमेटो केचप से क्या होगा
कि ये इस ग्रेवी में इसका मिठास आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप नहीं डाला है, मैंने बाद में इसमें शुगर ऐड की है बैलेंस करने के लिए। तो ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो चुकी है, तो जो फ्राइड मंचूरियंस बॉल्स थे हम इसमें डाल देंगे और फिर से इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, तो जो मंचूरियन बॉल है वो ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपको जब भी इसे खाना हो तब भी आप मंचूरियंस बॉल इसमें ऐड करिएगा। तो ये हमारा ग्रेवी मंचूरियन रेडी है। यहाँ पे मैंने स्वीटनेस के लिए थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड की है और इसे मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और इस ग्रेवी मंचूरियन को आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। सेसन फ्राइड राइस के लिए बड़ा सा पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। यहाँ पे हमें नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करना है। तेल गरम हो जाए उसके बाद 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक डालना है। अदरक और लहसुन को हमें भून लेना है। इस तरह से भूनना है कि वो थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के हो जाए, क्योंकि जो सेजवान फ्राइड राइस होता है उसमें जो भुना हुआ लहसुन और अदरक होता है उसका ही फ्लेवर अच्छा आता है इस सेजवान फ्राइड राइस में। तो ये लहसुन और अदरक भुन जाए उसके बाद 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर और बीन्स डाल देंगे और इन तीनों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होए तब तक हम भून लेंगे। आप यहाँ पे कैप्सिकम भी डाल सकते हो। आधी बड़ी चम्मच सोया सॉस डाला है, 2 बड़े चम्मच सेजवान सॉस डाला है, जो रेडीमेड मार्केट में आता है वही सेजवान सॉस इसमें डाला है। और जो सेजवान सॉस के ऊपर जो तेल होता है जो रेड कलर का सेजवान सॉस का, वो आप इस पर डाल देंगे तो सेजवान फ्राइड राइस का कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद जो पके हुए चावल थे वो डाल दिए हैं और इसे हमें एकदम ध्यान से मिक्स करना है चावल को, क्योंकि हमारे चावल टूट ना जाए। तो सेजवान फ्राइड राइस बनाना बहुत इजी है और ये खाने में भी बहुत लाजवाब लगते हैं। उसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस डाला है, 1/4 बड़ा चम्मच नमक डाला है, 2 बड़े चम्मच हरा प्याज आता है उसकी जो हरी पत्तियां है वो डाली है और 1/2 बड़ी चम्मच यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमें इसे मिक्स करना है। वैसे तो ये चावल पके हुए हैं, बस हमें इसे थोड़े से गर्म करने हैं। तो सेजवान फ्राइड राइस भी रेडी है और ग्रेवी मंचूरियन भी रेडी है। तो इन दोनों को सर्व करिए और एंजॉय करिए। और आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। और मेरी चैनल पे बहुत सारे केक्स के वीडियोस भी हैं, आपको केक पसंद है तो आपको वो भी मिल जाएगा।